हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल होने वाला है। उसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है, उसको खींच के नीचे लाने का काम मेरा है। काफी इजी बना दूंगा इस वीडियो को दोस्तों। कॉन्सेप्ट का नाम है मल्टी लेवल पेजिंग, इसको आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर इससे ठीक पिछला वीडियो आपने देखा होगा जहां पे मैंने स्टार्टिंग से एंड तक पेजिंग क्या होता है, पेजिंग किस तरीके से होता है, इंप्लीमेंट कैसे होता है, उसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की थी। हाँ, थोड़ा लंबा हो गया था लेकिन जरूरत थी सारी चीजों को एक वीडियो में डालने की, इसलिए मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था। अभी देखते हैं मल्टी लेवल पेजिंग क्या होती है। पहली बात तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड मल्टी लेवल पेजिंग, तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि अभी मैं इस वीडियो में आपको उसकी एक्सप्लेन करने वाला हूं जरूर, ठीक है। तो ये है भैया मेन मेमोरी। इस मेन मेमोरी को मैंने इनटू नंबर ऑफ फ्रेम्स डिवाइड कर दिया है। ऊपर वाला जो सेक्शन है, वो जो दो फ्रेम है, वो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया है बिकॉज वी कांट इंटरफेयर विद दैट। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो बचे हुए फ्रेम्स है, दैट इज 2, 3, 4, 5, यहां से जो फ्रेम्स है वो हम लोग प्रोसेस उसमें हम लोग डाल सकते हैं। वी कैन यूज दोस फ्रेम्स टू जस्ट पुट द पेजेस ऑफ द प्रोसेस इन टू द फ्रेम्स, ठीक है, ये चीज हम लोग कर सकते हैं। तो वही मैंने भी कर दी। मैंने क्या किया, ये जो मेरा प्रोसेस P1 था, इसकी जो पेज नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, ये मैंने यहाँ पे लोड कर दिए इन टू द रिस्पेक्टिव फ्रेम्स। और ये भी आप लोग जानते होंगे कि जितने मेरे प्रोसेसेस में जितने पेजेस होते हैं, उतनी ही इक्वल नंबर ऑफ मेरी पेज टेबल में एंट्रीज भी होती है फॉर दैट रिस्पेक्टिव पेज। मतलब फॉर द पेज नंबर 0 करस्पॉन्डिंग टू प्रोसेस 1, मेरी एक एंट्री होगी पेज नंबर 1 के लिए, एक एंट्री पेज नंबर 2 के लिए, एक एंट्री 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, रिस्पेक्टिव हर एक पेज के लिए एक एक एंट्री होगी। इस एंट्री में क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड विद द प्रोसेस, लेकिन मेजर इन्फॉर्मेशन हम लोग अभी फोकस करने वाले हैं कि भैया फ्रेम, किस फ्रेम नंबर में आपका वो रिस्पेक्टिव पेज लोकेटेड है, वो तो बताओ। वो लोकेशन आपकी यहाँ पे, इस इन्फॉर्मेशन, वो जो इन्फॉर्मेशन है फ्रेम की, वो आपकी इस पर्टिकुलर एंट्री में होती है, वो सब आप जानते हो, ठीक है। अभी आते हैं क्यों जरूरत पड़ी। तो ये जो मेरा पेज टेबल बन के तैयार हुआ है, ये आप लोग ये भी जानते होंगे कि इस पेज टेबल को मैं एक फ्रेम में बिठा देता हूँ, एक फ्रेम में एलोकेट कर देता हूँ ऑफ द मेन मेमोरी, ये भी सबको पता है क्योंकि इसकी जरूरत होती है आपको मेन मेमोरी में। सो दिस होल पेज टेबल विच इज प्रिपेयर्ड इज नाउ पुट अप इन टू वन ऑफ द फ्रेम इन वन फ्रेम ऑफ द मेन मेमोरी। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आता है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये जो मेरा पेज टेबल बन के तैयार हुआ है, इसकी जो साइज है वो है 12 KB। इसकी जो साइज है वो कितनी है, इस पेज टेबल की साइज है 12 KB, ओके। और जो मेरा पेज साइज है, पेज साइज कह लो, फ्रेम साइज कह लो, सब सेम ही है। जो मेरी पेज की साइज होती है वही मेरे फ्रेम की साइज भी होती है। तो इसे पेज साइज को या फ्रेम साइज को, वो है 4 KB की, वो है 4 KB की। अब ये हो गया मजाक, ये बहुत बड़ा मजाक हो गया। अब मुझे बताइए कि 12 KB का पेज टेबल आप 4 KB के फ्रेम में कैसे डाल सकते हो, जस्ट टेल मी दैट, एक मेथड बता दो मेरे को कैसे डाल सकते हो। इट्स नॉट पॉसिबल, बराबर, इट्स रियल नॉट पॉसिबल कि 12 KB का पेज टेबल आप डालोगे 4 KB के एक फ्रेम में, हाउ इट्स पॉसिबल। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जब प्रॉब्लम सामने आई तो क्या हुआ, मल्टी लेवल पेजिंग का सहारा लेना पड़ा, इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। तो मल्टी लेवल पेजिंग आपको एकदम आसानी से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने प्रोसेस को इंटू पेजेस डिवाइड किया था, वैसे अभी हम लोग इस पर्टिकुलर पेज टेबल को इंटू पेजेस डिवाइड कर देंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यही सच है, पेज टेबल को हम लोग इनटू नंबर ऑफ पेजेस डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने उसको डिवाइड किया इस तरीके से, ओके। तो ये है, ये मेरे पर्टिकुलर उसके प्रोसेस के पेजेस के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, ओके। और ये मेरा एक पेज है ऑफ द पेज टेबल, इन दिस पेज टेबल, ठीक है। तो ये है पेज नंबर 0, ये है पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 2, अब समझ में आया। सो दिस इज नथिंग बट द पेज नंबर 0 ऑफ द पेज टेबल, दिस इज नथिंग बट द पेज नंबर 1 ऑफ द पेज टेबल, एंड दिस इज नथिंग बट पेज नंबर 2 ऑफ दिस पेज टेबल, ओके। तो ये मैंने क्या किया, डिवाइड कर लिया। तो कुछ इस तरीके से डिवाइड किया मैंने, कैसे डिवाइड किया कि इसकी साइज 4 KB होगी। सी 12 KB का था, मैंने इसको तीन पेजेस में डिवाइड किया 0, 1, 2, तो इसको अगर आप डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको फाइनली मिलेगा 4 KB। इसका मतलब क्या कि हर एक जो पेज मेरे इस पेज टेबल को बिलोंग करता है, उसकी जो साइज है और जो मेरे फ्रेम की साइज है, वो दोनों इक्वल है, वो दोनों के दोनों इक्वल है, 4 KB 4 KB दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब अभी मैं ये जो पर्टिकुलर पेज है ऑफ दैट पेज टेबल, उसको मैं अभी डाल सकता हूं इनटू वन ऑफ द फ्रेम ऑफ द मेन मेमोरी। कैसे डालूंगा, सिंपल सी बात है, पेज टेबल, सी पेज टेबल जो है मेरा, ये पेज टेबल, उसका जो जीरोथ पेज है वो मैंने डाल दिया एक फ्रेम में। उसके बाद अगले पेज की बारी आती है, पेज टेबल जो है उसका जो फर्स्ट वाला पन्ना है, दैट इज द फर्स्ट पेज जो है उस पेज टेबल का, वो मैंने डाल दिया। फिर पेज टेबल का जो अगला पेज है, ओके, दैट इज द सेकंड पेज, वो मैंने डाल दिया मेन मेमोरी में। तो इस तरीके से हर एक पेज को लिया, एक फ्रेम में डाला, एक को उठाया एक में डाला, एक को उठाया एक में डाला, इस तरीके से मैंने किया। क्यों, बिकॉज हर एक पेज की जो साइज है वो 4 KB है,
ओके, इन दिस केस जो साइज मेरी आई वो 4GB है और मेरे फ्रेम की साइज भी 4GB है, तो आप अभी डाल सकते हो। तो पहले जो 12GB का पेज टेबल था जो आप 4GB में नहीं डाल पा रहे थे, अभी मैंने उसको डिवाइड किया इनटू नंबर ऑफ पेजेस और हर पेज की साइज अभी 4GB है जो कि मेरे एक फ्रेम में बैठ सकती है। तो ये तो हो गया, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करने जैसी है कि जब मैंने प्रोसेस को डिवाइड किया इनटू नंबर ऑफ पेजेस, तो हर उस पेज की एंट्री मैंने रखी थी इनटू पेज टेबल, बराबर हर पेज की एंट्री मैंने पेज टेबल में रखी थी। तो अभी यहाँ पे पेज टेबल खुद नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड हो गया है, तो उसके पेजेस की भी एंट्री कहीं ना कहीं होनी चाहिए या नहीं? यस, होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक और पेज टेबल को बनाते हैं, दिस इज माय पेज टेबल, बराबर, और इसमें कितनी एंट्रीज होंगी? 3 एंट्रीज होंगी, 0, 1 एंड 2। इसको मैं बोलता हूँ पेज टेबल 1, इसको बोलता हूँ पेज टेबल 1 एंड ये है मेरा पेज टेबल 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे चेंजेस कर लेना, पेज टेबल 0, पेज टेबल 0 एंड पेज टेबल 0, ठीक है। दिस इज द पेज टेबल 0 एंड दिस इज पेज टेबल 1, ओके। तो ये पेज टेबल क्या कंटेन करता है? इस पेज टेबल 0 के जो पेजेस है उनकी एंट्रीज इस पेज टेबल 1 के अंदर है, मतलब 0 मतलब ये पर्टिकुलर जो पेज है इसकी एंट्री यहां पे। इसमें क्या होगा कि भैया ये किस फ्रेम में प्रेजेंट है, तो ये वाली जो एंट्री वो किस फ्रेम में प्रेजेंट है? फ्रेम नंबर 8, ये फ्रेम नंबर 9, ये फ्रेम नंबर 10। बड़ा सिंपल सा फंडा है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। उसी तरीके से ये जो मेरा पेज नंबर 0 था ऑफ द प्रोसेस 1, वो किस फ्रेम में प्रेजेंट था? दैट इज दिस वन, दैट इज F2, फिर F3, ओके, देन F4, देन F5, ओके, देन F6 एंड देन F7, बराबर है कि F7 पे वो खत्म हो गया था। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट अप कर लिया और यहाँ पे रख दिए। तो मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भैया पेज टेबल की जो मेरी साइज थी बहुत बड़ी हो गई थी, उसको पेजेस में डिवाइड कर दिया और हर एक पेज को मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर रख दिया मेरे मेन मेमोरी के अंदर। एक बार मैंने मेन मेमोरी के अंदर रख दिया, तो अभी इन पेजेस की भी एंट्री कहीं ना कहीं होनी चाहिए ना, ये पता तो होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर पेज किस फ्रेम में है। तो ये एंट्री जो है रिलेटेड विद दीस पेजेस ऑफ पेज टेबल 0, ये कौन रखेगा? ये रखेगा पेज टेबल 1। तो पेज टेबल 1 ने क्या रखा, इस पर्टिकुलर का जो ये जो पेज है 0, ये कहां पे मौजूद है? फ्रेम नंबर 8। ये जो पर्टिकुलर पेज है ऑफ द पेज टेबल 0, वो कहां पे मौजूद है? फ्रेम नंबर 9 में। ये पेज कहां पे मौजूद है? फ्रेम नंबर 10 में। ऐसी हमने इंफॉर्मेशन सारी की सारी वहां पे डाल दी, बराबर, किसमें? पेज नंबर 1 में डाल दी, ओके। अभी हम लोगों को देखना है कि ये जो मेरा पेज नंबर 1 फॉर्म हुआ है, इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज कितनी है? तो फॉर एग्जांपल अगर इसकी साइज है 4GB, ओके, ये जो मेरा पेज टेबल अभी जनरेट हुआ है, दैट इज द सेकंड लेवल जो मेरी जनरेट हुई पेज टेबल की, उसकी साइज है 4GB। तो अभी ये कोइंसिडेंस है या अच्छी बात है, आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत बढ़िया हुआ कि इसकी भी जो मेरी साइज निकली पेज टेबल 1 की वो 4GB है, क्योंकि मेरी फ्रेम की साइज भी 4GB है और इस पेज टेबल की साइज भी 4GB है। इसका मतलब इस पेज टेबल 1 को मैं डाल सकता हूं इन वन ऑफ द फ्रेम, इनटू वन ऑफ द फ्रेम। तो कैसे डालूंगा मैं? सिंपली पेज टेबल 1 जो है वो चले जाएगा ऑफ करस्पॉन्डिंग टू प्रोसेस 1। समझ में आएगी नहीं? तो मैंने क्या किया, ये जो मेरी प्रोसेस पेज टेबल 1 था रिलेटेड विद द प्रोसेस वन, उसको मैंने फ्रेम नंबर 11 में डाल दिया। तो ऑब्वियसली ये टेबल भी आपका मेन मेमोरी में जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई कैसे मेन मेमोरी में गई, लेकिन समझ लो हम लोग इतने लकी नहीं है, ओके। तो अगर ये 4KB नहीं होता, तो 4KB अगर ये नहीं होता, इससे थोड़ा ज्यादा होता, फॉर एग्जाम्पल 6KB साइज है इस पेज टेबल की, 8KB है, यू नो, बहुत बड़ी साइज है। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब ये कि अगर ये 4KB से बड़ी होती तो हम लोगों को इसे वापस से, इस पेज टेबल को वापस से पेजेस में डिवाइड करना पड़ता, वापस पेजेस में डिवाइड करना पड़ता और फिर एक और पेज टेबल बनता पेज टेबल 2 करके। तो ये ऐसी हम लोगों की मल्टी लेवल पेजिंग चलती है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे इसी लेवल पे रोक दिया। आपको बेसिक आइडिया तो समझ में आ गया होगा कि कैसे मल्टी लेवल पेजिंग काम करता है। अब सिर्फ एक लास्ट मुद्दा बच गया है, सिर्फ एक लास्ट मुद्दा कि भाई आपने ये जो पेज टेबल 1 है इसको डाल तो दिया, लेकिन इसकी जानकारी किसको है? Who knows about the page table 1 का फ्रेम नंबर क्या है, किसको पता है? तो वो पता होता है आपके पेज टेबल बेस रजिस्टर, बराबर। तो आपका एक पेज टेबल बेस रजिस्टर होता है, उसमें लिखा होगा कि भाई फ्रेम नंबर 11 के अंदर, फ्रेम नंबर 11 को पॉइंट करो, तो वो फ्रेम नंबर 11 में जाएगा। फ्रेम नंबर 11 में जाने के बाद आपको पेज टेबल 1 मिलेगा जो कि प्रोसेस 1 से रिलेटेड है, तो आप पेज टेबल 1 में आ जाओगे, बराबर, और पेज टेबल की आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बराबर। और अगर आप पेज टेबल से 0 पेज में जाना चाहते हो, पेज नंबर 0 पे जाना चाहते हो ऑफ पेज टेबल 0, तो आप जाओगे यहां पे। अब इस पेज टेबल क्या इस 0 पेज में आ गए, सो दिस इज व्हाट दिस मींस, व्हाट दिस इज, नथिंग बट द पेज नंबर 0 ऑफ
पेज टेबल जीरो, बराबर पेज टेबल जीरो के जीरो पेज पे आ गए। अभी इसके अंदर अगर आप और गहराई में जाओगे तो इसके अंदर दो एंट्रीज आपको दिख रही है। वो कौन सी दो एंट्रीज है? इस पेज में आपको दो एंट्रीज दिख रही है। ये क्या है? एक पेज है किसका? पेज टेबल जीरो का। इसके अंदर आपको दो एंट्रीज दिख रही है। कौन सी दो एंट्रीज? दिस इज नथिंग बट द पेज नंबर जीरो ऑफ प्रोसेस वन एंड पेज नंबर वन ऑफ प्रोसेस वन। और ये पेज नंबर जीरो क्या बता रहा है, ये एंट्री क्या बता रही है? ये एंट्री बता रही है कि जो आपके पेज नंबर जीरो है वो फ्रेम नंबर टू के अंदर प्रेजेंट है। पेज नंबर जो जीरो है ऑफ प्रोसेस वन, ये फ्रेम नंबर टू के अंदर है। तो इस तरीके से आपको फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द टेबल टिल द इनसाइड ऑफ द टेबल आपको आना है, ताकि आप वो पर्टिकुलर जो पेज है उस प्रोसेस का जो पेज है वो किस फ्रेम में एलोकेटेड है वो आपको पता चल सके। सो फ्रॉम द आउटसाइड टेबल टू द इनसाइड टेबल आपको आना है। और ये जो लास्ट चीज तो वैसे ही मैं बता ही चुका हूं कि जो आउटर मोस्ट पेज टेबल होता है उसका भी मेन मेमोरी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे भी मेन मेमोरी में डालना है। और वो किस फ्रेम में एलोकेटेड है वो आपको पेज टेबल बेस रजिस्टर बता देता है कि वो किस फ्रेम में एलोकेटेड है आपका आउटर मोस्ट पेज टेबल। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ज्यादा मैंने चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं किया, मैंने जितना आसान बना सकता था मैंने बनाया है। ये था मल्टी लेवल पेजिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, इसकी इस वीडियो के थ्रू मैंने आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दी होगी, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ा दी होगी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मदद को आप प्रोपेगेट कर सकते हो बाय शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।